हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे JNU CBP 2016 फ्रॉम MSc बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन पेपर का डिटेल सॉल्यूशन। मैं इस क्वेश्चन पेपर में सिर्फ बायोलॉजिकल साइंस रिलेटेड क्वेश्चन ही सॉल्व करूँगा। मैं केमिस्ट्री या फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास में क्वेश्चन पेपर है, कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2016 MSc बायोटेक्नोलॉजी कोड ए। बायोटेक्नोलॉजी का कोड जो है वो है BIT। अच्छा, ये पार्ट ए का क्वेश्चन है। पार्ट ए में फर्स्ट से लेकर 14-15 तक ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, तो मैं वो सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। मैं 16 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द क्वायर ए नेचुरल फाइबर विच इज़ ऑफन यूज कमर्शियली टू मेक डॉर्मेंट ब्रशेस ETC इज एक्सट्रक्टेड फ्रॉम। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वायर जो कोकोनट में प्रेजेंट होता है, वो कोकोनट ये फ्रूट है, और ये किस कैटेगरी में आता है? ड्रूप में। आपने क्लास 11th के NCERT में पढ़ा होगा कि कोकोनट मैंगो ये ड्रूप फ्रूट में आता है, जिसमें आउटर लेयर को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प। ये पेरिकार्प होता है, उसके अंदर जो होता है वो होता है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर एक दूसरा लेयर होगा जिसको बोलेंगे मेजोकार्प। तो पेरिकार्प, मेजोकार्प, और सबसे अंदर में एक जो सीड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडोकार्प। तो ये तीन, इस ड्रुप में तीन पार्ट होते हैं फ्रूट के, पेरिकार्प, मेजोकार्प और एंडोकार्प। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मेजोकार्प ऑफ कोकोनट। क्वेश्चन नंबर 17। इन मॉसेस कंडक्टिंग टिश्यू इज मेड अप ऑफ। ओके, कंडक्टिंग टिश्यू यहाँ पर वो होते हैं जो वाटर और फूड को ले जा सकते हैं। इन ये बेसिकली काम कौन करता है? जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, ये दोनों कंडक्टिंग टिश्यू पे आएंगे। तो अब आ जाते हैं जाइलम में मोस्टली कौन ये काम करता है? तो ट्रैकिड और वेसल्स करते हैं। ठीक है, फ्लोएम में सीव ट्यूब करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखना है कि ट्रैकिड और वेसल्स, यहाँ पर जाइलम वेसल्स प्रेजेंट है, आंसर होगा ये, क्योंकि वेसल्स नहीं प्रेजेंट है ना ही सीव ट्यूब इस ऑप्शन में दिया हुआ, तो आंसर होगा बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एमेंसलिज्म इज अ काइंड ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू स्पीसीज। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस बिटवीन टू स्पीसीज एंड बेस्ड ऑन दैट वी राइट बेसिकली सिंबल लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव अगर वो दोनों फायदा पहुंचा रहे हैं दोनों ऑर्गेनिज्म, जैसे म्यूचुअलिज्म होता है या सिम्बायोसिस होता है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्लस प्लस। अगर एक फ़ायदा हो रहा है और नेगेटिव लिख रहे हैं, इसका मतलब दूसरे को नुकसान हो रहा है, तो ये लॉस है और ये होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल, और ये होता है बेनिफिट। तो अब यहाँ पर एमेंसलिज्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जीरो और नेगेटिव से, यानी एक ऑर्गेनिज्म को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रहने में, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहा है? वो नुकसान पहुंचा रहा है। तो एमेंसलिज्म इज अ टाइप ऑफ इंट्रैक्शन वेयर वन स्पीसीज हैज़ डेट्रीमेंटल इफेक्ट, यानी नेगेटिव, वाइल अदर इज़ नॉट अफेक्टेड, जीरो। तो आंसर होगा बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ 19 में बोल रहा है म्यूटेशन इन ए जीन गिव्स ए म्यूटेंट फिनोटाइप। ओके, एक्स जीन अगर नॉन फंक्शनल हो जाए तो ये एक म्यूटेशन हो सकता है, क्योंकि हर एक जीन एक प्रोटीन बनाता है जो फिनोटाइप को डिसाइड करेगा, तो वो म्यूटेंट ए कहला रहा है। अगर वाई में म्यूटेशन हो जाए, ये म्यूटेशन, तो ये फिर से क्या कर रहा है? इसको रीस्टोर कर रहा है, रीस्टोर। तो इस प्रोसेस को द म्यूटेशन इन द वाई जीन, वाई ई म्यूटेशन रीस्टोरेशन होने की वजह से, इसको हम लोग इस तरह के म्यूटेशन को क्या बोलते हैं? सप्रेशन म्यूटेशन। क्यों? क्योंकि सेकेंड जो म्यूटेशन हो रहा है वो फर्स्ट म्यूटेशन के इफेक्ट को सप्रेस कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सप्रेशन म्यूटेशन। 20 नंबर क्वेश्चन है। इनविजिबल टू ह्यूमन आई बैक्टीरियल सेल वेरी इन साइज डिपेंडिंग ऑन स्पीसीज बट द मोस्ट बैक्टीरिया आर यूजली मेजर्ड इन। ओके, तो बैक्टीरिया का मेजरमेंट हमेशा माइक्रोमीटर में होता है, ये आपको मालूम है। जैसे बैक्टीरिया का साइज़ होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर, इसलिए हम लोग नहीं देख सकते। हम लोग के देखने की रेंज क्या है ह्यूमन आई की? तो 1 मिलीमीटर से अबव, यानी कुछ
कोई भी ऑब्जेक्ट 1 मिलीमीटर से बड़ा होगा तो हम लोग उसको देख सकते हैं, या 1 मिलीमीटर उससे छोटा हो तो नहीं देख सकते। तो इसका आंसर होता है फर्स्ट, माइक्रोमीटर इनका साइज़ है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जीका वायरस ये फैलता है, इसका जो वेक्टर होता है ट्रांसमिटिंग एजेंट वो होते हैं मॉस्किटो, ये इसमें सर्वाइव कर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया आर बींग यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा इंसुलिन। डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन चाहिए क्योंकि उनका बॉडी इंसुलिन बना नहीं सकता। तो यहाँ पर बहुत सारे बायोटेक कंपनीज क्या करती है, वो जेनेटिकली क्या कहते हैं ह्यूमन के इंसुलिन जीन को, वो क्या करते हैं, ये सपोज इंसुलिन जीन है प्लाज्मिड में, इसको एक प्लाज्मिड में क्लोन कर लेते हैं, और ये इसको अब क्या बोलते हैं, क्लोनिंग वेक्टर। और इसको अब हम लोग डाल देते हैं बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया में ये क्या करते हैं, बल्क अमाउंट में इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए बनेगा और उसके ऊपर राइबोसोम बाइंड करेंगे जिससे वो प्रोटीन बनेगा इंसुलिन, जो आइसोलेट करके हम लोग सेल कर सकते हैं। तो आंसर होगा सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज नंबर ऑफ क्रोमोजोम अकरिंग। ओके, इंक्रीज नंबर ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के नंबर जनरली हम लोग मल्टीप्लाइड होते हैं, जैसे एक्स एक्स या एक्स वाई, लेकिन इन केस ऑफ क्लिनफेल्टर सिंड्रोम्स नंबर ऑफ क्रोमोजोम इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि क्लिनफेल्टर सिंड्रोम्स को क्या कहते हैं, एक्स एक्स और वाई, इसमें एक्स एक एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, तो आंसर होगा डी। अच्छा, बाकी जितने भी हैं, डाउन सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम, इनमें एक्स या तो क्रोमोजोम के नंबर कम होंगे, जैसे डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, डिलीशन होता है, डिलीशन ऑफ 21 नंबर क्रोमोजोम, यह तो आपको मालूम होगा। फ्रेजाइल एक्स क्रोमोजोम में डिलीशन ऑफ एक्स क्रोमोजोम के कोई एक पार्ट ब्रेक कर जाता है, टर्नर सिंड्रोम एक्स एक्स ही गायब होता है। नॉर्मल माइक्रोबायोटा इज हेल्पफुल इन ह्यूमन बींग एज दे प्रोड्यूस, ओके विटामिन के, ये तो बहुत डायरेक्ट, विटामिन बी भी एक बहुत कॉमन है, अगर यहाँ पे विटामिन बी होता तो आंसर वो होता, विटामिन B12, ये बहुत कॉमनली प्रोड्यूस करते हैं इकोलाई, जो हमारे गट में प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा विटामिन के प्रोड्यूस होता है क्योंकि विटामिन बी है नहीं यहाँ, तो कोई और ऑप्शन होगा विटामिन के, तो विटामिन के आंसर होगा। 25th का, इफ देर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन ADH इट्स इफेक्ट वुड बी, तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन को हम लोग दूसरा नाम कहते हैं वैसोप्रेसिन, ये भी याद रखना है, इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। क्या है ये हार्मोन, क्या करता है कि नेफ्रॉन ऑफ किडनी, किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसके ऊपर वो बाइंड करता है, और ये बेसिकली इंपोर्ट करता है, वहाँ पर लगाता है कौन सा, सोडियम चैनल, और सोडियम आयन्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ये बेसिकली करते क्या हैं कि सोडियम आयन को एब्जॉर्ब करते हैं, और सोडियम आयन एब्जॉर्ब होगा तो इसी के साथ वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जब वैसोप्रोसिन बेसिकली करता क्या है, ये यूरिन से वाटर को एब्जॉर्ब, वाटर एब्जॉर्प्शन किससे, यूरिन से। तो यूरिन क्या होता है हम लोग का, कॉन्सेंट्रेटेड, ये इसमें वाटर कम होते हैं क्योंकि इसको वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो जब ये डिफिशेंसी होगा, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन नहीं होगा, तो यूरिन से वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, यानी यूरिन क्या हो जाएगा, डायल्यूटेड फॉर्म में बनेगा, उनमें वाटर ज़्यादा होंगे तो वॉल्यूम ऑफ यूरिन आउटपुट विल बी इंक्रीज, आंसर ए होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज अपराइट एंड कैन नॉट बी इन्वर्टेड। देखिए पिरामिड जो होता है इकोलॉजी में, आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, तीन होते हैं, नंबर के, एनर्जी के और बायोमास के। ये याद रखिएगा कि एनर्जी का कभी भी पिरामिड इन्वर्टेड नहीं हो सकता, इन्वर्टेड का मतलब जनरली पिरामिड किस तरह होता है ऐसा, ठीक है, यहाँ पर सबसे प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, फिर सेकेंडरी होते हैं, फिर कंज्यूमर होता है, लेकिन एनर्जी का केस में कभी भी इस तरह का पिरामिड नहीं बन सकता, क्योंकि एनर्जी हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करेगा, जब भी यहाँ प्रोड्यूसर के पास ज़्यादा एनर्जी होगा कंज्यूमर के पास कम होता चला जाएगा, क्योंकि कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में वेस्ट होते हैं, तो ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ RH नेगेटिव पर्सन इज डोनेटेड ब्लड टू RH पॉजिटिव पर्सन फॉर द सेकेंड टाइम, देन यहाँ तो आंसर ये होगा, RH पॉजिटिव पर्सन स्टार्ट रिएक्टिंग टू RH नेगेटिव, क्योंकि सेकेंड टाइम बोल रहा है, ये तो कॉमन है जिसमें हम लोग पढ़े हुए कि RH नेगेटिव मदर अगर कंसीव करती है एंड चाइल्ड का,
कौन सा चाइल्ड? आरएस पॉजिटिव। ये कंसीव करती हैं इनके फीटस में, इसके इन मदर के एम्ब्रियो में अगर आरएस पॉजिटिव चाइल्ड होता है तो फर्स्ट डिलीवरी जो होता है नॉर्मल होता है। सेकेंड जो अगर ये फिर कंसीव करती हैं और उसमें भी आरएच पॉजिटिव है, तब वो जो न्यू बॉर्न बेबी है उनकी डेथ हो जाती है। तो ये तो हम लोग पढ़े हुए हैं, आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द फ्लावर आर कलेक्टिवली कॉल्ड पेरियंथ? पेरियंथ, कोरोला और कैलिक्स। जब मिक्स हो जाते हैं, दोनों कंबाइन कर जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरियंथ। व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला आर सिमिलर, बी ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन स्पॉटेड डिजीज इज कॉज बाय डोमिनेंट सेक्स लिंक्ड जीन। ओके, स्पॉटेड सेक्स लिंक्ड है, डोमिनेंट है। ए मैन विथ स्पॉटेड टीथ हुज मदर हैज नॉर्मल टीथ मैरिज टू वोमेन विथ नॉर्मल टीथ। ओके, डोमिनेंट सेक्स लिंक्ड, यहाँ पे ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ए मैन विथ स्पॉटेड टीथ हुज मदर हैज़ नॉर्मल टीथ। ओके, यहाँ तक रुकते हैं। क्या बोल रहा है कि एक पर्सन है, उनका जो टीथ है वो क्या है? स्पॉटेड, यानी कि डोमिनेंट एक्स लिंक्ड है। तो जनरली हम लोग ये देखते हैं कि जीन प्रेजेंट कहाँ होता है? एक्स पर, ठीक है। और ये जो मेल है ये कैसे आए होंगे? इनकी बोल रहे हैं कि इनकी जो मदर होंगी, मदर क्या है? नॉर्मल एक्स एक्स। तो इनके फादर क्या होंगे? अफेक्टेड होने चाहिए। लेकिन आपको मालूम है कि एक एक जो नेक्स्ट सन में वाई क्रोमोसोम कहाँ से आता है? फादर से, यहाँ फादर से। और एक्स से क्या आएगा? इनका मदर से एक्स आएगा, ठीक है। किसी भी मेल में एक्स उनका मदर से आता है और वाई फादर से आता है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि इनकी मदर नॉर्मल है, यानी मदर नॉर्मल है तो ये एक्स एक्स होगा, क्योंकि ये डोमिनेंट जीन है। मैं ऐसा नहीं लिख सकता, एक्स जीन और एक्स नहीं लिख सकता, तब तो ये अफेक्टेड हो जाएंगे। डोमिनेंट करेक्टर है, ये एक्सप्रेस करेगा, तो ये नहीं लिख सकता। तो यानी नॉर्मल होंगी इनकी मदर, तो इनको लिखूंगा ऐसा, इनकी मदर है। फादर, तब कैरेक्टर कहीं ना कहीं से आ रहा, तो इनके फादर अफेक्टेड होंगे। इसका मतलब है ये जीन वाई लिंक्ड है, डोमिनेंट सेक्स लिंक्ड है, तो सेक्स में एक्स और वाई होता है, वाई लिंक्ड है, यानी इनके फादर अफेक्टेड होंगे और फिर ये सन होगा। क्योंकि यही एक ऑप्शन बच रहा है कि जीन यहाँ पर हो, तो जीन यहाँ पर होगा तो वाई क्रोमोसोम पे, क्योंकि एक्स पर अगर आता तो एक्स तो मदर से आ रहा, तो एक्स अफेक्टेड होना चाहिए, नहीं है। अब ये अफेक्टेड हो गए सन, तो सन अफेक्टेड हो गए और अब ये इनकी हो रही है मैरिज नॉर्मल वुमेन से। तो इनकी नेक्स्ट प्रोजेनी जो आएगी, इससे सिंगल एक्स निकले आएगा, गैमिट। चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। इस इनसे इनका सिंगल एक्स और इससे एक्स और वाई, वाई पर जी, इन पे क्रॉसिंग हुआ तो एक्स एक्स नॉर्मल फीमेल और एक्स और वाई, यानी सारे सन क्या होंगे? अफेक्टेड, डॉटर नॉर्मल। तो आ जाता है वो ऑप्शन, ऑल देयर डॉटर विल हैव नॉर्मल टीथ, ये तो सही है। ऑल देयर डॉटर विल हैव स्पॉटेड, नहीं ये गलत है। नॉन ऑफ देयर सन विल बी स्पॉटेड टीथ, नहीं ये भी गलत है। हाफ ऑफ देयर सन इज स्पॉटेड टीथ, आंसर विल बी ए, ऑल देयर डॉटर विल हैव नॉर्मल टीथ। होप सो इट इज़ क्लियर। तो इट इज़, आपको ये ध्यान देना है ये क्या है, ये वाई लिंक्ड है। तो सिंपल है कि वाई लिंक्ड है तो सारे सन क्या होंगे? अफेक्टेड। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जाम्पल ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी का तो डायरेक्ट ये है, इनेट इम्यूनिटी क्या होता है? जो इनबॉर्न हो, ठीक है। तो इनबॉर्न में न्यूट्रोफिल्स होंगे, आंसर होगा सी, क्योंकि टी और बी सेल्स ये क्या है? एक्वायर्ड, वो अपने लाइफ स्पेन में एक्वायर्ड करते हैं, न्यूट्रोफिल्स इनबॉर्न है, तो आंसर होगा इनका सी, ठीक है। तो ये अब आगे के क्वेश्चन सारे फिजिक्स के हैं, तो ए पार्ट का मैंने बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर दिया है। तो आज के वीडियो में बस इतने ही तक। होप सो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके जेन्यू एंट्रेंस बायोटेक के प्रिपरेशन में। आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके बी पार्ट को शुरू करेंगे, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।